Hey guys, what's up everybody? My name is Deshani. Welcome back my YouTube channel. So guys, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है लगभग 3 बजे। मैं काफी टाइम बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लगभग मेरे को 4-5 दिन हो चुके हैं मैं ब्लॉग नहीं डाल रहा था, क्योंकि काफी ज्यादा बिजी हो गया था। तो आपके भाई ने कुछ खाया नहीं था, तो अभी मैं सोच रहा हूँ साउथ इंडियन में कुछ हो जाए मसालेदार। तो अभी तो फटाफट से चलते हैं, देखते हैं क्या लेना है। मैं सोच रहा हूँ मसाला डोसा हो जाए, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं आपके भाई को खाए हुए। डोसा तो मिला नहीं, अब कुछ और ही देखता हूँ मैं क्या खाना है। ये हमारे साहब भाई हैं। भाई कैसे बनाए हैं, है ना? बता दो एक बारी। भाई ये पनीर कौन से वो खोए से बन रहे हैं भाई? अच्छा, पनीर और खोए से कितनी देर में बन जाएंगे ऐसे एकदम लाल जैसे वो रखे? अब इसमें 10 मिनट लगेंगे बस। अच्छा, 10 मिनट लगेंगे। काफी टेस्टी लग रहे हैं भाई। हाँ, खिला रहे हो क्या कुछ? खा लो भाई, बन तो जान दो। अभी नहीं बने हैं, पतीले में उठा। मैंने पहले ही बोल दिया खाने के लिए। तो मैं समोसे लेने आया था यहाँ पर, हमेशा ही आता हूँ, आपको पता ही है। तो गाइस, आपका भाई चौमिन समोसे लाया था, फटाफट से फिनिश कर लेते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। अभी सिस्टर पूजा कर रही थी, इनने व्रत रखा था, ये सोमवार व्रत होते जो सावन के, आपको पता ही है। गाइस, अपनी पेट पूजा तो हो गई, तो अब निकलते हैं फटाफट से। सिस्टर ने ऑर्डर दिया था नारियल पानी लाने के लिए, तो चलते हैं। तो नारियल पानी ले लिया आपके भाई ने। तो गाइस, आपका भाई जैसे ही घर पे आया, तो ये बाबू आ चुका है मेरे से मिलने, और ये भी, ये दोनों अपनी YouTube फैमिली है। तो अभी तो फिलहाल अभी सिस्टर को दे देता हूँ मैं नारियल पानी, तो मिलता हूँ बाबू आप दोनों से। लूंगा, ठीक है? तो ऊपर भी नहीं है, मुझे लग रहा है इसमें सिस्टर ऊपर है, मैं ऊपर आ गया था। ले, पूरा कत्तर मार्केट बना रखा है घर को। तो गाइस, अब ऊपर चलते हैं, रील्स वीडियो बना लेते हैं। तो आपका भाई आ चुका है ऊपर, तो वीडियो बनाने के बाद मिलता हूँ आपसे। गाइस, आपका भाई अब ज्यादा सूट नहीं कर पाएगा रील्स वीडियो, क्योंकि नेट में चल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। इतनी बार ट्राई कर लिया, वाईफाई भी मतलब पता नहीं क्या हो गया, इसी टाइम होना था। चलो कोई बात नहीं, एक वीडियो सूट रही है, तो अब पीछे चलते हैं। तो गाइस, आपका भाई अब रेडी होके जॉब पे निकल रहा है, क्योंकि टाइम हो चुका है आपके भाई का। The next day. Okay, तो गाइस, आपका भाई आ चुका है जॉब से। जैसे ही मैं आया, वैसे मैंने फेस वॉश करा और मुंह पे एलोवेरा जेल लगाया था, ये देख सकते हो आप। तो उतने में एक प्यारी सी बिल्ली आई मेरे घर में, और मतलब काफी ज्यादा उसे भूख लग रही थी, देख के मेरे को समझ आ गया था। तो मैंने उसे अभी अभी जस्ट दूध दिया है, ये देखिए, पी रही नहीं है, डर रही है मेरे से। ये देखिए कितनी प्यारी है, पी ले पी ले पी ले, तो भाग रही है। गाइस, मेरे को देख के पता नहीं क्यों डर रही है, उसे लग रहा है कि मैं मतलब उसे मारूंगा। तो कोई नहीं, ऐसे दूध रखा है उसके लिए, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, सो जाऊंगा। मैं तो वैसे ही मतलब जैसे ही मैं जॉब से आता हूँ, तो मैं सबसे पहले जूस पीता हूँ। ये हमारे घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पे मतलब जूस वाले अंकल आते हैं रेडी पे, तो उनसे पी लेता हूँ सुबह के टाइम, पी के अपना मूड भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि काफी अच्छा रहता है सुबह सुबह जूस पीना। तो सोने जा रहा हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपसे दोपहर में। तो गाइस, आपका भाई उठ चुका था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ आज भी मैं। ये मेरा अगला दिन है ब्लॉग का, जो मैं शूट कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल मैं प्रदीप के पास जा रहा था, क्योंकि उसकी बाइक लेके आया था मैं। ये अपनी बच्चा पार्टी आई है हमसे मिलने। बढ़िया हो ना? एक बार ही बोल दो, डेविल फैम। तो फिर बाबू चलो निकलता हूँ मैं, अभी जा रहा था काम से, ठीक है, मिलते हैं बाद में। ये देखिए प्रदीप भाई की कटिंग कितनी खतरनाक है पूरी। इन्होंने बहुत बड़े बड़े कंपटीशन जीत रखे, मिस्टर वर्ल्ड का खिताब तो इन्होंने पिछले साल ही लिया था। हैं, एक बार बता दो तो कैसे मतलब तुमने कैसे पोज मारा था सबसे खतरनाक वाला? अभी नहीं मार पा रहे, क्योंकि प्रदीप भाई को थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये देखिए प्रदीप भाई कैसे फुल बातचीत में देख रहे हैं, स्माइल हो जाए भैया जी, स्माइल। तो अभी जस्ट घर पे आया था मैं, अपनी बिल्लो रानी बाहर निकाल रहा हूँ, काफी दिन हो चुके हैं। आपका भाई आया था कि सब्जी मंडी लहसुन लेने। आप तो
अभी आपके भाई ने जस्ट सामान लिया था खाने के लिए, क्योंकि कुछ था नहीं घर पे, ब्राउन ब्रेड और पनीर लिया था क्योंकि काफी ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें। तो अपनी डाइट फटाफट से फिनिश कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अब से। तो गाइस अभी अपने साथ है अंशु भाई। हाँ भाई, तो अभी हम ऐसे ही घूमने निकले हैं। कभी भी हम छुट्टी पे रहते तो ऐसे ही नॉर्मल घूमते हैं इधर उधर अपने एरिया में, कि काफ़ी दिन हो जाते हैं ना हमें मिले हुए, तो निकलते हैं। गाइस अभी आपका भाई मैकेनिक की शॉप पे आया था। मैकेनिक की शॉप तो बंद हो रखी है क्योंकि मेरी गाड़ी में ना पीछे का जो मरघाट है ना उसमें से आवाज आ रही है। गड्ढों में जाती है तो पता नहीं क्या खटखट सी आवाज आती है, लेकिन नॉर्मल चलती है तो एक नंबर की चलती है। चलो कोई नहीं, देखते हैं कोई और सा मैकेनिक होगा नहीं तो बाद में सही करा लेंगे, ज्यादा वैसे प्रॉब्लम तो है नहीं। गाइस अभी मैं फिंगर खा रहा था, प्रदीप के घर में आया था। ये अपना प्रदीप, ये देखिए चटका चुका है सारे फिंगर, ये भी लाया था। और इसको कूड़ा कचरा इसको दे देता हूँ मैं, ये बाहर फेंक के आ जा टाइम से, ठीक है? तू भी फेंक के आएगा दादा। इसका नाम मैंने रख दिया दादा। ये देखिए कैसे इसका पानी पीने का स्टाइल है, एक नंबर। तो आपसे खा के मिलता हूँ मैं। गाइस ये बहुत खतरनाक बंदा है, देखिए मेरे भी निकाल के खा गया था अभी। ओए चले, नहीं मिल रहा जरूर कुछ भी, चल एक दिन मिल रहा, चल। Few moments later. तो गाइस जस्ट अभी मैं बाहर से आया हूँ थोड़ा घूम के अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 5:30। तो ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया, मेरी तबीयत खराब सी हो रही है, काफी तेज जुकाम हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा, आंखें भी पता नहीं एकदम लाल सी हो रही है मेरी, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। तो ब्लॉग का भी यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।